अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूं अदनान बशीर और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि डीप फ्रीज किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम सॉफ्टवेयर को और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि डीप फ्रीज है ना, इसको हम अपनी हार्ड ड्राइव में सी ड्राइव को जो है ना, हमारी सी ड्राइव होती है जिसमें विंडोज़ वगैरह होती है, उसको हम सिक्योर करने के लिए कहते हैं ताकि इसमें कोई वायरस वगैरह ना आ सके। इसको जब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो जब हम इसमें चाहे जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह कर लें, हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन इसको करने से पहले ये होता है जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना तो उसमें हमारे पास जो रिक्वायर वगैरह जो हमारे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसको हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल वगैरह कर लें, उसके बाद डीप फ्रीज को इंस्टॉल करें। क्योंकि जब आप डीप फ्रीज कर लेते हैं उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है उसके बाद आप जो भी उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह कर लें, इसी किस्म की आप चाहे आप उसमें कोई सी ड्राइव में या डेस्कटॉप वगैरह पर कोई भी डाटा रखेंगे ना, जब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका जो है सॉफ्टवेयर वो आपकी सिस्टम के ना जो सी ड्राइव में आपने डाटा सेव वगैरह किया था नया उसको उड़ा देगा। इसलिए आपसे एक ये भी गुजारिश है कि जब आप डीप फ्रीज को इंस्टॉल करें तो अपनी सी ड्राइव और डेस्कटॉप पर किसी किस्म का भी कोई डाटा वगैरह जो है ना उसको इंस्टॉलेशन वगैरह ना करें। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और सिर्फ सी ड्राइव में ही किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप वो जगह ओपन करें या आप इसको सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है डीप फ्रीज। फाइल एपो वगैरह से भी ईजिली मिल जाएगा, फाइल एपो सॉफ्टॉनिक वगैरह यहाँ से आप चाहे इसको ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ज़्यादा ये होगा कोई 2-3 MB का होगा। मैं वो जगह ओपन करता हूँ जहाँ पर मैंने रखा हुआ सिस्टम्स में। चलते हैं सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पर मेरे पास होगा ये पड़ा है मेरे पास, ये फ्रोजन के नाम से, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसको हम डीप फ्रीज भी कहते हैं और इसका दूसरा नेम जो है उसको हम ये भी कह देते हैं जिसका नेम है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, FARONICS फ्रोनिक्स डीप फ्रीज। ये दोनों नेम है, हम इसको किसी भी नेम से सर्च वगैरह कर सकते हैं। अब हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, विनरार फाइल को ओपन करेंगे हम, इसमें जो हमारे पास ये डीप फ्रीज का है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास यस आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ रहा है नेक्स्ट। अब हम इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर अब हम इसको करेंगे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको हम टिक कर देंगे, मार्क वगैरह कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अगर कोई आपके पास लाइसेंस की वगैरह है तो वो दें, अदरवाइज आप ये कर दें यूज़ एवोल्यूशन पर करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है कि आप बगैर कोई इंस्टॉलेशन कोई दूसरी रजिस्ट्रेशन वगैरह के आप सिर्फ इसको ना कम से कम 30 दिन आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर उसने सिर्फ सी ड्राइव दी हुई है और कुछ ड्राइव वगैरह होती हैं उस पर ये कुछ सॉफ्टवेयर की किस्म वगैरह होती है जिस पर ये दूसरी ड्राइव वगैरह भी देता है, तो आप दूसरे को अनचेक लाजमी कर दिया करें क्योंकि वरना आप उनको भी चेक रहने देंगे तो इसका ये नुकसान होगा कि आप उसमें भी किस किस्म के डाटा वगैरह जो है इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको नेक्स्ट कर दें, ये देखें ये आ रहा है, अब फिर आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दें, ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम रिस्टार्ट होगा, मैं रिस्टार्ट होने के बाद आपसे मिलता हूँ। अब सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर होगा यस यस और नो, अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आइकन आ जाएगा, ये तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया है,
इसको हम ओपन करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करेंगे और लेफ्ट की माउस से करेंगे, डबल माउस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इस पर अगर हमने कोई पासवर्ड वगैरह दिया है तो यहाँ पर उसका पहले पासवर्ड देंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अगर हमने पासवर्ड नहीं दिया तो सिंपल ओके करेंगे, मैंने पासवर्ड नहीं दिया इसलिए मैं ओके कर रहा हूँ। उसके बाद ये इस तरह से होता है, ये जो है ना मैंने मेरा यहाँ पर था क्योंकि मैंने डिसेबल किया होता है कि जब डिसेबल हम करेंगे उसको यहाँ पर थ्रॉड पर कर देंगे। अदरवाइज जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे ना तो उससे स्टार्ट होता है, उस वक्त मेरा होता है बूट फ्रोजन पर। यहाँ पर आगे पासवर्ड है, मैं यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं जो भी देना है, मसलन मैं दे रहा हूँ स्माइल SMILE। और यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। अगर हम ओके करेंगे तो पासवर्ड हम इसमें इसलिए देते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा ना हमारा ये पासवर्ड यहाँ से कोई पासवर्ड के बगैर कोई चेंजिंग वगैरह ना कर सके। मसलन अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा, उसके बाद डीफ्रीज एक्टिव हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ सिर्फ ओके पर क्लिक कर देते हैं तो वो हो जाता है। तो दोबारा फिर बताते हैं, ये जो है बूट थ्रॉड ये होता है डिसेबल करने के लिए और ऊपर वाला जो है ये एक्टिव करने के लिए, तो मैं डिसेबल ही कर रहा हूँ। मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया। हम ये देखें, अब वैसे आप यहाँ पर करें शिफ्ट प्रेस की रखें और डबल क्लिक करें इस पर, ये ओपन हो गया। अगर हम वैसे ही आप ओके करते रहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने पासवर्ड दिया हुआ है। ये देखिए आप आ रहा है, यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे SMILE, मैंने पासवर्ड दिया था फिर तो इसको ओके कर रहा हूँ। ये देखो ये खुल गया, इसलिए यहाँ पर करेंगे तो एक्टिव और यहाँ पर करेंगे तो डी एक्टिव। मैंने डी एक्टिव ही करना है इसलिए यहाँ पर कर दिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मोर इसी तरह से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल LARNING WITH SMILE। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत से ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जिस तरह से कि आप IDM को किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, माई टाइप को कैसे इंस्टॉल किया जा सकते हैं और वो किस काम आता है और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी अपनी वर्ल्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।